जिले के नवगठित बकाहो की नगर परिषद में नियुक्ति व अनियमितता सामने आई। यहां पर अधिकारी कर्मचारियों ने गठजोड़ करते हुए अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति कर ली है। मामले में कलेक्टर सहित कई बड़े अधिकारियों तक शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने से नाराज ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा तथा जल्द मामले में जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी। दरअसल बकाहो नगर परिषद में 35 से 40 कर्मचारियों की भर्ती हुई है। इसमें उन युवाओं की नियुक्तियां हुई हैं जिनके रिश्तेदार नगर पालिका में पदस्थ हैं, तो कुछ के राजनीतिक रसूख से भर्ती हुए हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में जिस सीएमओ पर वित्तीय अनियमितता और दैनिक मास्टर रोल पर 37 कर्मचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी उजागर हुई है, उसे ही बकाहो में होने वाली भर्ती समिति का सदस्य बनाया था। शुरू से ही बकाहो परिषद में नियुक्तियों में गड़बड़ी उजागर हो रही है। मामले में ग्रामीण विरोध करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अपना विरोध जताया, जिसके बाद कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया व 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।